लखनऊ से हमारे पास है। आतंकी साजिश का एक और खुलासा हुआ है। लखनऊ समेत कुल 6 जिलों में सीरियल धमाकों की साजिश थी। बकरीद से पहले 6 जिलों में सीरियल धमाकों की साजिश थी। भीड़भाड़ वाले इलाकों में और 2 मंदिरों के पास धमाका करने का प्लान था। आतंकी मेनास के मोबाइल का डेटा एटीएस ने रिट्रीव कर लिया है, वापस हासिल कर लिया है और उसी डेटा से यह पता चला है। यह बड़ा खुलासा हुआ, यह बड़ी बात निकलकर सामने आई है। 6 जिलों में सीरियल धमाकों की साजिश थी इस मॉड्यूल की अलकायदा के। और ज्यादा अपडेट हासिल करते हैं और जानकारियां हासिल करते हैं और इसके लिए सीधा चलेंगे लखनऊ। हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी वहां से इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। विवेक, ये जो नई बात सामने आ रही है 6 जिलों में सिलसिलेवार धमाकों की, इसके बारे में और विस्तार से जानकारी दें हमारे दर्शकों को। जी राजन, देखिए लखनऊ पहला टारगेट था। लखनऊ में उन्होंने जो, जैसा कि हमने पहले भी बताया अपने एबीपी गंगा के दर्शकों को, कि छोटे मंदिर और अमीनाबाद की भीड़ वाली बाजार को टारगेट किया था, वहां पर सीरियल ब्लास्ट करने की तैयारी थी। और ये विस्फोटक सामग्री जो उनके पास से मिली है वो कोई ऐसी सामग्री नहीं है कि बहुत बड़े धमाके होते, छोटे छोटे धमाके, वो कोई मैसेज देना चाहते थे। क्या मैसेज था ये अभी एटीएस से जानने की कोशिश कर रही है कि किस तरह का मैसेज छोटे धमाके करके देना चाहते थे। इसके अलावा लखनऊ के अलावा वाराणसी सबसे सेंसिटिव जोन है। वाराणसी में चूंकि प्रधानमंत्री का दौरा भी है और प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है, तो वहाँ पर बकरीद से पहले यानी 21 तारीख से पहले ये धमाके होने थे। वाराणसी के अलावा कानपुर, गोरखपुर, आगरा और मथुरा, इसके अलावा अयोध्या, ये सबसे संवेदनशील जिले हैं और सबसे महत्वपूर्ण भी हैं। गोरखपुर मुख्यमंत्री का इलाका है, अयोध्या राम मंदिर वहाँ पर बनाया गया है, वो भी हिटलिस्ट में था इनकी। तो ये छोटे छोटे जितने धार्मिक स्थल हैं और जो राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल हैं, यहाँ पर धमाके करने की साजिश थी। और इसके पहले एटीएस ने खुलासा किया है, पकड़ा है दोनों को। ये भी एक महत्वपूर्ण बात पता चली है कि जो अंसार गजवातुल हिंद, जो कश्मीर का संगठन है, वहाँ से 2 कमांडर यहाँ पर जल्द आने वाले थे और सारे जो इनका साजिश है, जो जिस तरह से इन्होंने प्लान तैयार किया था, उसके बारे में जानकारी लेनी थी, उसको एग्जीक्यूट करने के बारे में सारे इंतजाम देखने थे। इसके अलावा कुछ पैसा भी देना था। ये बात एटीएस की जांच में प्रूव हुई है कि जो मिराजुल है उसने पैसा दिया, माफ कीजिएगा, मिनहाज ने वहाँ पर मूसा को अपने अकाउंट से पैसे भिजवाए थे और कानपुर के 3 अकाउंट भी ट्रेस हुए हैं जिनसे मूसा को पैसा भेजा गया था, कश्मीर के कुछ खातों में पैसा भेजा गया था। ये जो मनी ट्रांजेक्शन है इसको और ट्रैक करने की कोशिश कर रही है एटीएस, और कई बैंक खाते ऐसे सामने आए हैं जिसमें से ट्रांजैक्शन हुआ है और बीते 10 दिन में ही हुआ है। इसके अलावा बीते 7 दिन में गिरफ्तारी से पहले का हफ्ता जो है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके मोबाइल से तमाम ऐसी कॉल्स मिली हैं जो पाकिस्तान और नेपाल की गई थी। ये सिर्फ एक हफ्ते की कॉल है और 200 से ज़्यादा कॉल्स ऐसी हैं जिसको एटीएस ट्रैक कर रही है। नेपाल में कुछ लोगों से बात की गई थी, पाकिस्तान में कुछ लोगों से बात की गई थी, कश्मीर से लगातार इनका बातचीत का सिलसिला चलता रहा है। अगर उसके पहले देखें तो उसके पहले इतनी बड़ी मात्रा में कॉल्स नहीं थी, यानी ये इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए बहुत जल्दी इन्होंने तैयारी की थी। और जैसा कि सूत्र बता रहे हैं कि 20-21 तारीख के आसपास इस तरह का ऑपरेशन होना था, सीरियल ब्लास्ट, जहाँ तमाम जगहों को चिन्हित किया गया था। अयोध्या में जैसे राम मंदिर की इन्होंने रेकी कर ली थी, वहाँ पर और संवेदनशील जगह हैं। वाराणसी में किस किस जगह पर रेकी की थी इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, इसका खुलासा एटीएस नहीं कर रही है, क्योंकि वो बेहद गोपनीय है। वहाँ पर प्रधानमंत्री को जाना था और तमाम योजनाओं का उद्घाटन करना था, तमाम चीज़ें वहाँ पर प्लानिंग है, आतंकियों की प्लानिंग है। चूँकि अभी एक इनका आदमी जो भागा हुआ है, जो 3 लोग, 3 नाम एटीएस ने बताए थे उसमें से जो भागा हुआ है, वो जब तक सामने नहीं आएगा तब तक बहुत सारी चीज़ें सामने नहीं आएंगी, बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं होंगी। लेकिन एटीएस इस बात को लगातार कोशिश कर रही है कि इनका पूरा नेटवर्क, जो इनके स्लीपर सेल है, जो एजेंट हैं, जो मददगार हैं, उनको सामने ला सके, ट्रैक कर सके, उनको गिरफ्तार कर सके। बहुत सारी गिरफ्तारियाँ होनी बाकी हैं और इसी सिलसिले में दिल्ली की स्पेशल सेल IB इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम पूरी आई है यहाँ पे, NIA की टीम आई है और रॉ की टीम भी आई है। ऐसा बताया जा रहा है कि रॉ के अधिकारी भी, जो बड़ी जानकारी दे रहे हैं, बड़ा अपडेट दे रहे हैं, रॉ के अधिकारी को रिमांड पर लिया, रॉ के अधिकारियों का लखनऊ पहुंचना और किसी भी इंटरोगेशन में शामिल होना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खबर है। और इससे पता चलता है कि मामला कितना गंभीर होता जा रहा है और भारत की आंतरिक सुरक्षा को जो खतरा था वो था ही, लेकिन बाहरी दुश्मन भी किस तरह से जुड़े हुए थे इन आतंकियों से और कितना खतरा खड़ा कर सकते थे, इसका भी अंदाजा लगाया जा सकता है। बहुत धन्यवाद विवेक त्रिपाठी आपका इन तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए।